Hi everyone. i sure very happy new year and uh, I'm just recording on this video. So, what the reason I'll tell you, I have taken one trade in Bank Nifty, oh, four lots I have taken Bank Nifty futures. I'll tell you the reason behind taking the entry. The reason first is this trend line was broken. This trend line was like from connecting from here, broken, kind of retesting was done. And then I had taken the trade. First thing. Second reason was in five minutes, If you'll see that here at this point of time, VWAP was was broken and 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 there was a big red candle. मतलब rejections pivot डाला है सिर्फ ट्वेंटी सिक्स रुपीज का अगर लॉस होता है तो ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड का कुछ होता है या फिर जिधर भी ये ला, ये लाइन जब जाएगा ना ये ट्रेंड लाइन का लाइन जब जाएगा किधर भी जाएगा उस टाइम तक का हमने रखा हुआ ऐसा नहीं कि एकदम उसी टाइम पे रखेगा मैं ट्रेल करता जाऊंगा जैसे जैसे नीचे आएगा ठीक है एंड एंड टारगेट ऑलमोस्ट इज टू पॉइंट समथिंग आई एम लुकिंग अभी एक और टारगेट मैं देखूंगा थ्री टू फाइव यहाँ पे है एंड ये हमारा टारगेट है टू नाइन फोर हाँ टारगेट भी ठीक ठाक है सब चीज सही है अभी लेट्स हैव अ लुक एट सम अदर एस्पेक्ट्स बहुत कोई इसमें एडवांस प्राइस एक्शन मैंने ज्यादा यूज नहीं किया हुआ है बस नॉर्मल से कॉन्सेप्ट यूज किया हूँ कि रिजेक्शन मिला वीवैप ब्रेक किया ट्रेन लाइन ब्रेक किया मे भी मैं टारगेट यहाँ पर रिड्यूस भी कर सकता हूँ अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं पे मार्केट थोड़ा सा रिजेक्ट कर रहा है इस लेवल पे तो मैं शायद टारगेट जो है वो कम कर सकता हूँ अगर इन केस मुझे मालूम दिखता है कि मैं देख लेता हूँ कि कहीं पे मार्केट जो है सपोर्ट ले रहा है कि प्राइस जो है नीचे नहीं आ रहा तो यहाँ पे दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग लेवल है

If you'll see here, दो बार प्राइस आज भी नीचे आने की कोशिश किया बट यहाँ से वापस चला गया है तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट यहाँ पे case, अगर ऐसा हो रहा है बार बार, तो हम यहाँ पेगे क्योंकि दिख रहा है मार्केट यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है एक और बार वेट करेंगे एंड उसके बाद विल क्लोज द ट्रेड इफ इट इज इन लॉस ऑल्सो बिकॉज इन मिनिमम प्रॉफिट आई क्लोज दिस As as soon as it is going to uh, cross over this, I'll check up on, and close uh, सिंपल सा रीजन है क्लोज करने का है, क्योंकि ये सपोर्ट लिया जाए सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं होगा अगर break कर गया, तो हाई ये यहां तक भी जा सकता है टू वन एट टू वन एट बोले तो बहुत नीचे तक आएगा यहां तक चांसेस है कि मार्केट वहां तक गिर सकता है हाई चांसेस So, मैंने अभी तक अपना टारगेट फिक्स नहीं करा है लेट्स सबसे टारगेट किया था गिर गया मार्केट बहुत अच्छा है हमारे लिए वाओ टू नाइनटी फाइव के आसपास मतलब टू नाइनटी कर देता हूं टू नाइनटी का टारगेट hmm. <laughs> 1, 2, 9, प्लेस हो गया हमारा काम अभी कर रहा है अच्छे से कर रहा है यहाँ पे ये जो टू हंड्रेड ये में जो वन मिनट का टाइम फ्रेम में काइंड ऑफ सपोर्ट लिया ठीक है, है उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन मतलब हमें बस ये है कि जो फाइव मिनट्स का अभी दो मिनट के अंदर जब क्लोजिंग होगा ना देन ये Break. I'll update you. All right, guys. So, as I had told you, that market may take support from here, and that's what has happened. It made a wick in five minutes. If you can see, there is a good wick, and in 15 minutes, still, there is a good wick, but it has not crossed this pivot point. It is taking resistance from here. So, I'm still in the trade, and uh, you can see I'm just near to the break even point. And, one more thing from where it took support it had taken support from your 50 ema yeah. in 5 minutes it has taken support from the 50 ema as well that's the reason it made a is lamba sa wick banaya wahan tak aaya and uske baad wo upar ki taraf bhag gaya what is my next plan or what am i thinking my thoughts kya hai bahut simple hai koi डाउट नहीं है कि इसमें मतलब मैं कब एग्जिट करूंगा मैं वेट करूंगा कि मार्केट एक बार थोड़ा सा और नीचे की तरफ आए उसके बाद आई एग्जिट आई नॉट बी एग्जिटिंग मैं जल्दबाजी में एग्जिट कर दू या फिर वैसा कुछ नहीं कोई पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड पे मतलब काम बन सकता था वहां से भी मैं निकल गया देखा मार्केट नीचे आ गया इतने बार एक सपोर्ट जो बन चुका है तो मे भी चांसेस हैं कि वो ब्रेक कर सकता है देर आर चांसेस इट इज कमिंग डाउन हियर नाउ देर इज थर्ट नाइन ई एम इफ इट गेट्स ब्रेक माय टारगेट इज टू फिफ्टी का uh, का जो ये है इतना तो मेरा है नहीं टारगेट वैसे भी माय टारगेट इज एट टू के आसपास ठीक है

ये चासेज है कि हाँ नीचे आके तुरंत क्लोज कर देगा मेरा टार्गेट जो भी है अराउंड uh, कितने पे मैंने डाला हुआ है टू नाइनटी पे डाला हुआ है अभी ठीक तो, है अभी भी टाइम है इसमें क्लोजिंग है देखते हैं क्लोज करने के चांसेज है कि हाँ मतलब कर सकता है कर दे तो अच्छा है एंड नॉट इंक्रीजिंग द टारगेट एज ऑफ नाउ स्टेट यहाँ पे विक ये में ब्रेक हो चुका है हमारा ये फिफ्टी ये में ब्रेक हो चुका है कैंडल टाइम बंद होने में कितना टाइम बचा हुआ है अभी भी जस्ट टेन सेकंड्स बचा हुआ है तो थोड़ा सा ये और नीचे आके क्लोज करे तो बहुत अच्छा उस ऊपर नहीं जाना चाहिए ये में के नीचे क्लोज होना चाहिए एनीवे anyway, थोड़ा सा ऊपर चला गया ये थोड़ा सा लंबा सा विक बना दिया कोई नहीं हाँ देखते हैं मार्केट इसको नीचे की तरफ लाता है कि क्या करता है अभी ये यहाँ पे वन मिनट में फ्रीक्वेंसी है तो ज्यादा ही लंबा वेग बना दिया एंड वी जस्ट मिस द टारगेट बाय फिफ्टीन पॉइंट्स समवेयर या ऑलमोस्ट ऑफ टेन पॉइंट्स इट्स फाइन इट्स कंप्लीटली फाइन क्योंकि माय टारगेट इज एट नॉट एट दिस पॉइंट ओके सो देखते हैं चांसेस अभी भी है बहुत हाई चांसेस है एक तो ये लेवल ब्रेक कर गया 50 ये में ब्रेक कर गया रिवर्सल के लिए आई डोंट थिंक सो देर इज एनीथिंग व्हिच कैन मेक द प्राइसेस टू गो अप बट यो दिस इज मार्केट एनीथिंग कैन हैपन बट एनालिसिस के अकॉर्डिंग आई एम एक्सपेक्टिंग आई एम दैट इट शुड नॉट गो अप इट शुड कम डाउन अंटिल दिस लेवल अंटिल दिस लेवल हैज वन समवेयर एट 240 के आसपास भी आ सकता है Let's have a look what happens. Okay, guys. So now from here, if you can see the market had reversed. What I did, I added Fibonacci. Fibonacci, if you can see here, it is taking resistance from this 0 0.5 level and it started coming down. It took the resistance and it has coming down. Now, again, let's see till what level it can come down. What is happening? Oh, let me fix this. हेलो हाँ हां सो ये अभी यहां से हमारा रेजिस्टेंस लिया रिट्रेस करेगा वापस से रिट्रेस करेगा एंड 38 के लेवल वन मिनट कैंडल में इफ इट इज क्लोजिंग बिलो 0.38 विच इज या इट हैज ऑलरेडी क्लोज्ड नाउ आई कैन एक्सपेक्ट दिस टू गो डाउन फर्दर

देखते हैं ब्रिक ग्रेट वी आर जस्ट ऑलमोस्ट लाइक नियर टू द टारगेट गुड गोइंग सो इसमें से मेरे को प्रॉफिट होगा बाय द एंड ऑफ दिस ट्रेड इट विल बी समवेयर टेन थाउजेंड का होगा प्रॉफिट गुड फॉर इट

just a quick update that my target missed once again by just 10 15 points and again it has started reversing so i need to look up on this and i might modify my target if it is required because if it is key, i can't hold this trade for two hours to achieve my target like that i won't be doing it that is nothing like winning trade or not but yeah if it is coming yeah there might be some support which is getting two times it has got and this is days low okay just a minute i might have drawn the wrong okay i've drawn wrong fibonacci so this is the mistake i have done so if just i will do one thing now let me draw the correct fibonacci correct Fibonacci will be from this level to this level. Anyway, it won't matter. you can see here it has taken from 0.618. In that time frame it was taking, so it is almost the similar thing that is the mistake and I should have noticed that. Now here, if you can see it is taking resistance from 0.51 and 0.38 is the acting as a good support, correct. So this is the reason my target is not going because ये सब रेजिस्टेंस uh, यहाँ से लिया था वापस अच्छे से रेजिस्टेंस लिया नीचे आ गया नाउ इट इज टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम हियर एंड सपोर्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड माय टारगेट इज एग्जैक्टली एट दिस जीरो पॉइंट टू थ्री के लेवल का मेरा टारगेट है सो लेट्स सी क्या होता है ये फिबोनाकी का लेवल बस और कुछ इसमें ज्यादा नहीं है And just a quick update that my target is not getting hit as in, it has been getting retraced once again and again for whenever it is reaching at this level and it has been getting retraced no issues now here my stop loss i have i'll be trailing my stop loss as soon as 70 not 70 oh, yeah this level not 53 that is around here yeah, 70 I will trail my stop loss till seventy, and if there is any candle closing above that, I will exit my trade by taking around twenty points. My target is yet to hit. Uh, I require how many points more? Uh, Fifty points is still I am in need. So it is currently at 4,000-5,000 like that. It is happening. I was looking for JSW still. I missed one entry. Good entry. Anyway, that's a thing. Uh, apart from that i would have exited just now because in that uh, if here it was a very good support okay now there i am looking for what is happening if you can see it is making a high low high low again high then low again it has made a high similar to this chances are there that in this trend only the target can get hit in this trend itself, if it is not getting hit, let's say if the market is coming till this level once again, I might I'll be exiting the trade because again what will happen? Market will go in the end. It, if you will see, if you saw that mark, how beautiful this is taking resistance from this level. Correct. Here also it went up, resistance came down, resistance, resistance came down. Correct. So, Abhi.

You got so much that is enough, right? And I was like, Yeah, that was enough. But still, the point is not that it was enough or not. That was a target which I had fixed it. And that is one is to four. But yeah, that is the logical target. And uh, big and one more thing, the it could have achieved by this time. The volume is very less today. Compared to other days because of New year, many people will not really even

start this recording once again when i'm done with this trade and uh, yeah that's all so my target has got hit i'll tell you the reason behind i have not i did not exit the trade i'll simply catch up everything now okay i hope this is not getting hanged <laughs> because i have not restarted my laptop it's mm -hmm. getting hanged i guess i just hope it does not close this yeah fine i'll remove this uh, volume as of now let me to remove oh, now first thing the as i told you just recapping everything that uh, the reason i took the trade was the breakout over here if you will see the volume was also good enough to take that time of trade uh, if you will see in 5 minutes it was a good volume to take up the trade later on it started like retesting was done and i had taken the trade somewhere at this point of time after the retest and it had achieved give me give me target of uh, around 90 points you know the logical 1 is to 4 was almost covered within just 20 20 minutes. Okay. But I waited for more, and you know, I was waiting to come down because <clears throat> if you see here, uh, my target was in bank nifty this level. This was your 200 EMA in 15 minutes. Okay, so it, if you'll see here it has touched this point and it's very near to it. Great. That was my target now.

मैंने एग्जिट नहीं किया था टारगेट इतने थ्री सेवेंटी टच भी नहीं किया था पहली चीज ना दूसरी चीज इफ यू गो एंड चेक इन फाइव मिनटल था तो कोई वैसा खास ब्रेकआउट नहीं था फॉल्स ब्रेकआउट था ये 68 के लेवल के ऊपर का सो so, मैंने वेट किया एंड एट द सेम टाइम इट वॉज मेकिंग बना रहा था मार्केट ऊपर से गिर रहा था

चेक जब भी ब्रेकआउट आ रहा है तो फाइव मिनट्स का कैंडल जो होना चाहिए क्लोज होना चाहिए प्रॉपर क्लोज ऐसा क्लोजिंग होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि, और ये कैंडल का लेवल जो होना चाहिए वो भी ब्रेकआउट देना चाहिए ठीक है दूसरी चीज देख लेना है कि कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है तुम्हारे ब्रेकआउट के पास तो फेक ब्रेकआउट हो सकता है लाइक like दैट भी हो सकती है सो इफ यू कैन सी इट हैज गिवन 280 तक आ चुका था तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिल गया है एंड गुड यस्टरडे आल्सो आई मेड गुड प्रॉफिट टुडे आल्सो आई हैव मेड रियली गुड प्रॉफिट okay so that's all from today and i'll be uploading more live videos live profit and i'll keep on increasing not the profit thing but the knowledge and the why am i trading and the knowledge which i want to give because ultimately profits and losses correct thank you so much